नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। जोधपुर में प्रशासन की अपील का दिखा असर, हालात फिर से हुए सामान्य। उद्योग एवं उद्यमिता के मुद्दों पर सचिव समूह की बैठक, मुख्य सचिव ने कहा वन संरक्षण के लक्ष्य के साथ खनन गतिविधियों को मिले मंजूरी। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों की नीलामी, निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी इकट्ठा राशि। जोधपुर शहर में कर्फ्यू के दौरान दी गई छूट के दौरान आमजन ने प्रशासनिक नियमों की पालना करते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखा। जिला कलेक्टर श्री हिमांशु गुप्ता ने कर्फ्यू में दी गई छूट के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया। उन्होंने जोधपुर वासियों से इसी प्रकार शांति बनाए रखने की अपील भी की। जो रियायत दी गई है लोग उसकी पालना कर रहे हैं और उन्हीं रियायतों के तहत ही मूवमेंट हो रही है और 10 बजे के बाद वापस कर्फ्यू जैसे कल की स्थिति थी उसको लागू हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से भी जोधपुर शहर की जो जनता है उनसे अपील करूंगा कि जो कर्फ्यू अब 10 बजे खत्म हो रहा है, एसेंशियल सेवाओं के अलावा जैसे बिजली, पानी और मेडिकल, उसकी आप कंप्लायंस करें। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने उद्योग एवं उद्यमिता के मुद्दों पर सचिव समूह की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वन भूमि पर की जाने वाली खनन गतिविधियों की अनुमति के संबंध में वन और पेट्रोलियम विभाग मिलकर स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार करें ताकि वन क्षेत्र का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा होने से राजस्व में भी वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इस मौके पर कहा कि खून की कमी के कारण और समय पर खून नहीं मिल पाने के कारण बहुत से लोगों की बेवक्त मौत हो जाती है। ऐसे में लोगों को बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने शिविर में सभी कार्मिकों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आग्रह भी किया। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है, साथ ही उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार और विद्युत निगम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। प्रतिदिन बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा कर यह प्रयास किया जा रहा है कि बिजली की कम से कम कटौती करनी पड़े। बिजली की अत्यधिक मांग बढ़ने और उपलब्धता में कमी के चलते 28 अप्रैल से संभागीय मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों, नगरपालिका क्षेत्रों और साथ ही 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में शेड्यूल के अनुसार बिजली कटौती लागू की गई थी। 1 मई के बाद उपलब्धता के अनुसार घोषित से कुछ कम कटौती की गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को मिले उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम सेवांजलि मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित किया गया। भारत सेवा संस्थान की ओर से हुए इस कार्यक्रम में लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा हुई। यह राशि निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगी। श्री गहलोत ने इस कार्यक्रम में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता गहलोत के साथ स्मृति चिन्ह और उपहारों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने नीलामी में शामिल हुए सभी लोगों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री कोष के अंदर मैंने देखा है जब कभी कोई गुजरात भूकंप आ गया या कोई सुनामी आ गई या फिर कोई ऐसी आक्रांता आ गई, केरला के अंदर आपको याद होगा कि एक बार बाढ़ आ गई थी, कश्मीर में भी बाढ़ आ गई थी, भूकंप आ गया था, कारगिल का युद्ध हुआ था, तब भी मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से पैसा भेजा गया। उस वक्त भी हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम किया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि मार्च माह से ही भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आगामी 2-3 माह के लिए उपलब्ध पेयजल का व्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित करें। उन्होंने अवैध बूस्टर्स के खिलाफ जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से अभियान चलाने के निर्देश दिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में जिलों में कंटिंजेंसी प्लान के तहत सभी आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्रता से जारी की जाएं। इसके लिए संबंधित जिलों के अधीक्षण अभियंता जिला कलेक्टर से पूर्ण समन्वय रखें। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।